इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जयंती लाल जी, भाग्यवंती देवी, पंकज, विनीता, विनोद, कोकिला, नितेश, मोनिका, निकुंज जी, मोनिका शाह, जोशल, नमन, रिदम, भक्ति, दिया, ध्वनि, परी, दिशा, समस्त डागरी परिवार उदयपुर निवासी। जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। आंख गीली, ओंठ ठंडे और दिल में आंधियां, एक दिन में तीन मौसम, एक पल में तीन मौसम ओढ़ता है आदमी। दौड़ते ही दौड़ते दम, आप देखिए दौड़ कितनी तेजी से चालू है। अगर ट्रैफिक की लाइट और ट्रैफिक की पुलिस व्यवस्था न संभालें तो इस दौड़ में पता नहीं कितने लोग रोज सड़कों पर दौड़ते हुए लोगों को देखिए। कभी आप खिड़की से या छत से देखेंगे, सारे लोग दौड़ ही चले जा रहे हैं। और कोई तो इतनी स्पीड में जाता है कि दो चार को टकराता हुआ निकल जाता है, गिराता हुआ निकल जाता है। समझ में नहीं आता है सब दौड़ दौड़ करके कहाँ जा रहे हैं। कल भी दौड़ रहे थे, परसों भी दौड़ रहे थे, उसके पहले भी दौड़ रहे थे, दौड़ ही रहे थे। हर रोज दौड़ते हुए जाते हैं और सिर्फ जाते नहीं हैं, दौड़ते हुए वापस भी आ जाते हैं। सभी दौड़ते हुए जाएंगे, शाम को दौड़ते हुए वापस आएंगे। और ये भाग दौड़ हमेशा से और कब से जारी है, शास्त्र की भाषा में कहो तो अनादिकाल से जारी है। इस गति से उस गति, उस गति से उस गति में कौन सी पर्याय में जीव नहीं गया। ये तो सौभाग्य है, कोई पुण्य का उदय है कि बीतराग निर्ग्रंथ जिन शासन में जन्म लेने का अवसर मिला, देवशास्त्र गुरु का सानिध्य मिला। इसमें भी जिन लोगों को सानिध्य नहीं मिला, उन्हें जिनका सानिध्य मिला वो वैसे बन गए। जिन क्षेत्रों में मुनिराजों का जाना नहीं हुआ, उन क्षेत्रों में उस जमाने में जिन्हें जिन साधु जनों का सानिध्य मिल गया वो वैसे बन गए। जिनको याद रहा वो आज भी मानेंगे दिगंबर मुनिराजों को, याद न रहा तो जिन लोगों के प्रभाव में आ गए वैसा मानने लगेंगे। अग्रवंश में बहुत सारे लोग जैन धर्म भी मानते हैं और श्री कृष्ण जी को भी मानते हैं, जैसा सानिध्य मिल गया। सही मार्ग मिलना, सही मार्गदर्शक मिलना दुर्लभ है। अपने भाग्य की सराहना कर, आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं खूब भूख लगी हो और भोजन ना मिले तो व्यक्ति जहर तो नहीं खा लेगा, उसे जहर जैसी चीजें मिल जाएं कि भाई ये खा लो। जो समझदार होगा वो जहर तो नहीं खाएगा,
कहेगा भूख लगी है, भूख से मर जाएंगे भले, लेकिन जहर खा के क्यों मरो। ऐसे ही वहां पर बात कही है कि वीतरागी निर्ग्रंथ प्रभु ना मिले, वीतरागी गुरु ना मिले, तो कोई भी प्रज्ञावान कोई दूसरे रास्ते को तो नहीं अपनाएगा। साइबर क्राइम, उन लोगों ने सोचा सब लोग जो व्यापार ऑनलाइन करने लगे तो अपन भी ऑनलाइन ही करेंगे। फिजिकली करने में तो कई बार धोखा हो जाता है, नकली सोना हाथ पड़ जाता है। इतना बड़ा सूटकेस था, इतना सुंदर पर्स था, तो सुंदर और मोटा देख करके सोचा कि इसमें कुछ होगा, उसको खोला देखा कॉस्मेटिक लाली लिपस्टिक और कुछ नहीं। फिर इसलिए अब उन लोगों ने क्या चालू कर दिया जी, ऑनलाइन करेंगे। गलत तो कुछ नहीं है ना, चोरी तो चोरी है भाई, ऑनलाइन करोगे कुछ भी करो है? तो आप यही समझ लो कि जैसे संसार में मिलती जुलती चीजें होने से असली चीज पकड़ में नहीं आती है, ऐसे ही धर्म के क्षेत्र में मिलती जुलती चीजें होने से मोक्ष मार्ग पकड़ में नहीं आता है। हम इस मोक्ष मार्ग को पकड़ें, और नहीं तो दौड़ तो चालू है। होंठ ठंडे आंख गीली होती है कई बार देखिएगा आप, और दिल में आंधियां, कितना तूफान चलता रहता है। जितना ट्रैफिक सड़क पर होता है उससे कई गुना ट्रैफिक अपने दिमाग में चल रहा होता है। ट्रैफिक में दौड़ में आप लाल बत्ती पर रुक गए, रुकने के बाद अपने विचारों में कई बार ऐसे खो जाते हैं कि पीछे वाले हॉर्न जब बजाते हैं ना कि सिग्नल खुल गया है अब चलो, जब दूसरे की आवाज आती तो आप देखते हैं सड़क पूरी खाली पड़ी है, सारी गाड़ियां चली गई, मैं ही अकेला। होता है कि नहीं होता? वो ट्रैफिक तो निकल गया गाड़ी वाला, लेकिन आपकी दिमाग वाला अभी भी चालू है। क्या करेंगे इतने सारे विकल्पों का, इतने सारे विचारों का क्या होगा? आचार्य देव कहते हैं कि इन सारे विचारों के जंजाल को छोड़ो और अंतर्मुख हो। जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में, कितने भव बीत चुके संकल्प विकल्पों में। बार बार यही तो होता है। आज हम सभी यहां बैठे हैं और एक कोशिश करें कि विचार चले तो भी धर्म ध्यान का चले। सज्जनों, दुनिया की हर वस्तु ठोकर लगने से टूट जाती है, लेकिन एक सफलता ऐसी चीज है कि ठोकर लगने से ही सफलता मिलती है। इसलिए ठोकर से भी घबराइए मत। किसी मामले में कभी ठोकर लगती है तो डटे रहिए, कोशिश करिए, थोड़ी देर के लिए थम जाइए। ठोकर भी कहती है थोड़ा रुको और देखो तुम जहां जा रहे हो, जिस रास्ते पर दौड़े जा रहे हो, वहां कुछ उपलब्धि है कि बस दौड़े जा रहे हो, और तुम जिस रास्ते पर जा रहे हो वो सही भी है। आधुनिकता की दौड़ में दौड़े चले जा रहे हैं, खान पान का कुछ ख्याल नहीं। एक सज्जन बता रहे थे, बोले महाराज जी बेटी का रिश्ता करने गए, काफी चीजें अच्छी लग गई, समझ में आ गया, फिर और जो पीछे पीछे इंक्वायरी करते हैं ना इनसे उनसे, तो हमने इंक्वायरी की, मालूम पड़ा लड़का तो अंडा खाता है। बताइए, उसे पूछा, उसने कहा कि अंडे तो बहुत शाकाहारी भी होते,
ऐसी संगति मिल गई, ऐसे लोग मिल गए, ऐसे समझाने वाले मिल गए। किताबों में ही छप जाता है, अखबारों में छप जाता है। विचित्र है दुनिया जिस तरफ दौड़ी जा रही है। अरे वो भी भ्रूण है, मुर्गी का बच्चा उसमें से निकलेगा, और नहीं निकले तो भी किसी माँ के यहाँ पेट से मरा हुआ बच्चा पैदा हो या आधा अधूरा भ्रूण हो तो जीव नहीं कहलाएगा क्या? जीव तो है, लेकिन ये अंधी दौड़ में व्यसन फैशन संभल जाइए और मत दौड़िए, थोड़ा खड़े हो जाइए, विचार लीजिए कहाँ जहाँ आप जा रहे हैं सही रास्ते पर जा रहे हैं, जिस रास्ते से जोड़े जा रहे हैं क्या मंजिल तक पहुँचेंगे? दोहरी थकान से बचने का एक तरीका यही है कि आप सबसे पहले रुक जाएं। गलत रास्ते पर जा रहे हैं तो एक बार रुक जाएं और फिर चिंतन करें, विचार करें, वापस मुड़ें, फिर सही रास्ते पर चलें। लोग पैकेट बंद खान पान में कोई दोष नहीं मानते, बोले ऑटोमेटिक पैक हो जाता है, ऑटोमेटिक बन जाता है। भाई आजकल तो जानवरों का कत्ल भी ऑटोमेटिक होने लगा तो दोष नहीं कहलाएगा, पाप नहीं कहलाएगा? चीजों में सामान में अभक्ष्य वस्तुएं भी मिलाई जाने लगी हैं, पैकिंग हो रही है ऑटोमेटिक, लेकिन उसमें पड़ा क्या क्या है वो आपके लिए उचित है क्या? नहीं, सबके यहां चलता है, सबके यहां चले, आप तो समझदारी से काम करो। देखा देखी दौड़ो मार, वो आपने किस्सा सुना होगा बचपन में, चौथी पांचवी की क्लास में किताब में था ना, शार दौड़ा, खरगोश दौड़ा, हिरण दौड़ा, और खरगोश जब दौड़ा तो दौड़ने वालों ने दौड़ते उसको इतना घबराहट से दौड़ता हुआ पूछा क्या हुआ? उसने कहा है तू भी दौड़, क्योंकि दुनिया का नाश होने वाला है, भूकंप आने वाला है। वो भी दौड़ा, खरगोश दौड़ा, हिरण दौड़ा, बारहसिंगा दौड़ा, दौड़ने वालों की लंबी लाइन हो गई। वो उसको बताता, वो उसको बताता, और सबकी दौड़ चालू हो जाती। शार मिला, उसको कहा कि भाई क्यों दौड़ रहे हो? उसने कहा दुनिया का नाश होने वाला है, जंगल में भूकंप आया है, तुम भी दौड़ो तो तुम्हारी प्राण बचेंगे। वो भी दौड़े। शेर मिला आगे, मालूम है ना, सब एक के पीछे एक के पीछे एक, सब दौड़ते जा रहे हैं। शेर ने पूछा कि सब दौड़ करके कहाँ जा रहे हैं? ऐसे सब दौड़ दौड़ करके चले जाएंगे तो पूरा जंगल खाली हो जाएगा, जैसे पुरानी दिल्ली खाली हो गई ना, है शहर, पुराना शहर। आजकल बड़े बड़े मंदिर हैं, धर्मपुरा लाल मंदिर के पीछे वाली बस्ती क्या कहलाती है, धर्मपुरा वगैरह। हम जिस मंदिर में रुके थे दरीबा का वो मंदिर है, वहां तीन चार मंदिर हैं बड़े बड़े सुंदर, पंचायती मंदिर में भी। अब वहां श्रावकों के कितने से घर हैं, बहुत थोड़े घर बचे, उल्टे सुल्टे आके लोग वहां पर रहना चालू कर दिए, बस्ती खाली हो गई। ध्यान रखिए, कोशिश करिए कि जिनालय के पास से अपना घर खाली करके छोड़ करके कभी जाना नहीं, कोशिश करिए। अगर आप कहोगे नहीं सब बेटे वहां चले गए परिवार वहां, भले आप जाओ, लेकिन वो जिनालय के पास वाला मकान फिर किसी गैर को बेचो मत, खाली पड़ा रहने दो। आप कहोगे कि फिर नया कैसे खरीदेंगे, और अगर आपको बेचना ही है तो फिर किसी ऐसे श्रावक को, किसी ऐसे व्यक्ति को बेचो कि कम से कम मंदिर की विनय कर सके,
जिनालय के दर्शन को जाता हूँ। केवल रुपए के लोभ में और किसी को भी दे दिया तो समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। बहुत होता है आजकल, ये बहुत हो रहा है। अच्छी खासी बस्तियां खाली हो जाती हैं, नई कॉलोनी में रहना है, आलीशान रास्ते, आलीशान घर, आलीशान गाड़ी, और इस आलीशान में धर्म की शान को तक भूल जाते हैं। उसको मत भूलिए सज्जनों। शेर ने कहा कि तुम सारे भागे चले जा रहे हो, ऐसे तो जंगल खाली हो जाएगा, बात क्या हुई? उन्होंने कहा कि अभी दुनिया नष्ट होने वाली है, जंगल में भूकंप आने वाला है, आप भी भागो महाराज। जंगल का राजा कौन और बाहुबली का राजा कौन? सिटी किंग है वो तो। जंगल का राजा शेर माना जाता है। तो उन्होंने कहा कि आप भी, शेर ने कहा ठहरो तो जरा, दो मिनट बताओ तो बात सही पूरी क्या है। देखो अगर साहस और धैर्य से काम ना करेंगे तो आप भी सबके साथ, बस आप बिना विचारे करेंगे तो दौड़ते ही चले जाएंगे। उनने किया सो हमको करना, उनने किया सो हमको करना, ऐसा देखा देखी करने वाले बहुत मिलेंगे। ऐसे तो रूढ़ियां चलती हैं, ऐसे तो कुरीतियां चलती हैं। श्यार मिला सबसे पहले, श्यार से शेर ने कहा कि बताओ बात क्या है? उसने कहा मैंने ऐसे ऐसे बात सुनी। तुमको किसने कहा? वो कहा पीछे वाले ने कहा। उससे पूछा तुमको किसने कहा? उसके पीछे वाले ने कहा। उसको पूछा तुम्हें कैसे मालूम पड़ा? उसने कहा मुझे तो खरगोश ने बताया। सबसे ज्यादा डरने वाला प्राणी कौन होता है? शेर ने कहा कि तूने बताया, तुझे किसने बताया? उसने कहा मुझे तो कुछ ही नहीं बताया। फिर तुम क्यों भाग खड़ा हुआ, क्या हुआ? उसने कहा कि सच में दुनिया नष्ट होने वाली है, भूकंप आने वाला है, तुझे कैसे मालूम पड़ा? उसने कहा जहां मैं बैठा था, मैं वहां चुग्गे चुन रहा था, घास खा रहा था, जोर से आवाज आई तो मैं समझ गया कि दुनिया मिटने वाली है। शेर ने कहा चल मेरे साथ, किधर आवाज आई हो, किधर दुनिया मिटने वाली है? उसने कहा ना महाराज, मुझे नहीं मरने का शौक। शेर ने कहा कि तू वैसे नहीं मरेगा तो मैं तो यही अभी यहीं पर। उसने कहा कि भाई ऐसे मरने से अच्छा चलो वापस चलो। वापस गए तो ना कोई भूकंप आने वाला है ना कुछ, बस जहां वो घास चल रहा था वहां पर एक पेड़ की टहनी जोर से टूट करके गिरी, और उसकी जो जोरदार आवाज हुई उससे घबरा करके भाग लिया वो। ऐसे भागने वाले कितने लोग नहीं? एक तो जम करके खड़ा हो, मिल करके जम करके खड़े हो जाएंगे तो शेर भी घबरा जाएगा, और अगर डरते डरते भागते जाएंगे तो गीदड़ भी तुम्हें डराएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे जयंती लालजी, भाग्यवंती देवी, पंकज, विनीता, विनोद, कोकिला, नितेश, मोनिका, निकुंज जी, मोनिका शाह, जोशल, नमन, रिदम, भक्ति, दिया, ध्वनि, परी, दिशा, समस्त डागरी परिवार उदयपुर निवासी।